हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जब जो स्पेक्ट्रा आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो यूवी विजिबल रीजन में होते हैं, यानी कि या तो यूवी लाइट हो या फिर विजिबल लाइट हो। अगर ये दोनों लाइट प्रेजेंट है तो ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, यानी कि एक तो हमारे पास होता है मॉलिक्यूल, जैसे कि I2 मॉलिक्यूल है। अगर I2 के साथ हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि कोई बेस ऐड करते हैं, तो आयोडीन और बेस के साथ इंट्रैक्शन होगी और एक नया कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो उसका स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ आयोडीन एडक्ट। यानी कि मैंने बताया कि जब आयोडीन के साथ कुछ बेस या फिर कोई और डोनर लिगेंड अटैच होता है तो बनता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, या फिर हम उसको आयोडीन अडक्ट भी बोल देते हैं। अब ये अडक्ट क्या है? अडक्ट या फिर एडिशन कंपाउंड एक ही बात है। अब अडक्ट में क्या होता है हमारे पास? एक तो होता है लेविस एसिड, एक होता है लेविस बेस। जब इन दोनों की इंट्रैक्शन होती है तो बनता है अडक्ट। व्हेन एनर्जी गैप इज लेस बिटवीन होमो एंड लुमो देन अडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी कि अडक्ट कब बनता है? अब क्या है, एक तो लेविस एसिड होगा, लेविस एसिड के पास तो होगा लुमो, लेविस बेस के पास होगा होमो, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। जब होमो लुमो का गैप कम होता है तो बनता है अडक्ट। अगर यही होमो लुमो का गैप ज़्यादा हो जाए तब बनता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। अगर होमो लुमो का गैप मतलब ज़्यादा ना हो, उन दोनों का इक्विवेलेंट सी एनर्जी हो, होमो लुमो की अगर एनर्जी इक्वल सी हो जाए तो बनते हैं हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब हमें तो यहाँ अडक्ट की स्टडी करनी है। अडक्ट के लिए क्या है? होमो लुमो का गैप कम होना चाहिए। अब अडक्ट का स्पेक्ट्रा देखने से पहले हमें आयोडीन के बारे में, जो आयोडीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्योर I2 मॉलिक्यूल होता है उसका हम डायग्राम देखेंगे, उसमें कौन सी पीक आती है और वो पीक किस वजह से आती है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर आयोडीन डिजोल्ड इन CCl4। अब ये तो है नहीं, आयोडीन मॉलिक्यूल उठाया, उसका स्पेक्ट्रा ले लिया, किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करना पड़ेगा तो हम क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करते हैं, और आयोडीन और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। तो यहाँ सिर्फ प्योर आयोडीन का स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे इस पैराग्राफ में। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है प्योर I2 मॉलिक्यूल का, उसमें एक ट्रांजिशन आती है 520 नैनोमीटर, और ये जो पीक आती है ये किस ट्रांजिशन की वजह से आती है? पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और इसी ट्रांजिशन की वजह से जो आयोडीन है उसका वॉयलेट कलर होता है। तो अब ये है MO डायग्राम। अब MO डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं? I2 मॉलिक्यूल का, तो यानी कि दो आयोडीन एटम अटैच होंगे। तो MO डायग्राम कैसे बनाते हैं? एक आयोडीन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दूसरा आयोडीन एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं। जब दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। अब क्या जो आयोडीन एटम है, आयोडीन एटम की वैलेंस सेल कौन सी होती है? 5 वाली होती है, 5s और 5p। यहाँ सिर्फ हमने 5p को दिखाया है। अब यही क्या है, यह पूरी फील्ड नहीं है, जो 5s है वो तो पूरी फील्ड है, उसका कोई काम नहीं है। अब 5p में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। 5p में वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयोडीन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा, इस आयोडीन एटम के, इस आयोडीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके MO डायग्राम बनता है। अब MO में क्या है, नीचे तो सिग्मा बना है, फिर पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम MO है, फिर पाई स्टार MO है, फिर सिग्मा स्टार है। अब 5 इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा, 5 ये देगा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे? पहले तो ये वाले फील्ड होंगे,
अब 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो 10 के इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो हम 22 स्टार तक फिल किए जाएंगे। तो अब ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। अब इसका अगर होमो लूमो देखें तो अब ये जो 22 स्टार है, 22 स्टार तो है होमो, होमो क्या होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और ये जो सिग्मा स्टार है ये लूमो का काम करेगा। सिग्मा स्टार खाली है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, बस इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। अब क्या, अगर इसमें ट्रांजिशन करवाए तो ये तो होमो हो गया और ये लूमो हो गया, तो होमो से लूमो में ट्रांजिशन होगा, यानी कि 22 स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। तो उसके लिए जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वो 520 वाली चीज़ है। तो इसीलिए बोलते हैं जो आयोडीन होता है उसका वो एलेट कलर 22 स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से आता है और 520 नैनोमीटर पर आता है। अब आयोडीन का वो एलेट कलर क्यों है, वो एलेट कलर इसीलिए है ये जो ट्रांजिशन है ये विजिबल रीजन में लाई करता है। अगर कोई ट्रांजिशन विजिबल रीजन में लाई करता है तो वो कंपाउंड या फिर मोलिक्यूल कलर्ड होता है। अगर वो ट्रांजिशन विजिबल रीजन में लाई नहीं करता है, फिर किसी और रीजन में लाई करता है, जैसे यू में करता है, आई आर में करता है, रोटेशनल में करता है, तो वो ट्रांजिशन यानी कि वो मोलिक्यूल में कलर्ड नहीं दिखता। आयोडीन का ये जो पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है ये विजिबल रीजन में लाई करता है, इसलिए आयोडीन का वायलेट कलर होता है। तो ये तो हो गया I2 मोलिक्यूल का एमओ डाइग्राम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं अडक्ट का। अडक्ट में क्या होगा, हम कोई बेस डालेंगे, बेस बेस के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर कहाँ आएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है, हमने I2 मोलिक्यूल लिया, I2 मोलिक्यूल का सिर्फ हमें ये एमओ देखना है। अब ये जो बेस आएगा इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ आएगा, सिग्मा स्टार में आएगा। अब लोन पेयर आएगा इसमें कुछ तो हलचल मचेगी इस मोलिक्यूल में, तो वो हलचल आगे देखेंगे हम, इसका जो ट्रांजिशन है वो भी अफेक्ट होएगा। अब ये है, व्हेन सम बेस और सर्टेन लिगेंड्स आर एडेड टू आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि I2 जो CCl4 में डिजोल्व कर रखा है, अगर उसमें हम कुछ बेस डालते हैं तो दो मेजर चेंज आते हैं स्पेक्ट्रा के अंदर, और वो मेजर चेंज क्या है, एक तो होता है ब्लू शिफ्ट और एक आता है ओरिजिन ऑफ न्यू पीक। पहले हमारे पास एक पीक आती थी पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और बेस डालने के बाद एक नई पीक और आएगी, नई पीक तो साथ में आएगी आएगी, और एक होगा ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का क्या मीनिंग है, ये जो पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन था ये पहले 520 नैनोमीटर पर होता था, ब्लू शिफ्ट में क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन है ये 520 से कम पर अपीयर होगा, और ये कितने पर अपीयर होगा, ये 360 पर अपीयर होगा। तो ब्लू शिफ्ट का मीनिंग होता है शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवार्ड शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पहले 520 पर आ रहा था वो 520 पर नया आकर 520 से कम पर आएगा, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और एक होता है हमारा रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है। अगर आपको इसमें परेशानी है ब्लू शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट में, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं लॉन्गर के लिए, इसकी एक ट्रिक है, ये तो सभी को पता होगा अभी क्यों है। अब जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम, और जो ब्लू कलर होता है यानी कि ये वोलेट या फिर ब्लू, ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ लाई करती हैं, इनका जो लैम्डा शॉर्टर है। अब इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ब्लू कलर की साइड आ रहा है, इसलिए बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। अगर कोई ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो वेवलेंथ किस तरफ जाएगी, रेड की तरफ जाएगी, इसलिए बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो ये तो हो गया प्योर I2 का। अब इसमें डाल दिया कुछ बेस, बेस में क्या हो सकता है, मैक्रोसाइक्लिक ईथर या फिर कोई और हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो मैं दो मेजर चेंज आएंगे, एक तो ब्लू शिफ्ट होगी यानी कि जो 520 नैनोमीटर पर ट्रांजिशन आ रहा था वो अब कम पर आएगा, और एक नई पीक आएगी, नई पीक किसकी वजह से आती है, जो नई पीक आती है वो आती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। अब ब्लू शिफ्ट क्यों अराइज हुआ, ब्लू शिफ्ट अराइज हुआ जो अपना सिग्मा स्टार था वो खाली था, उसमें जो बेस है या फिर कोई और डोनर लिगेंड है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा,
अब आयोडीन मॉलिक्यूल के पास पहले भी इलेक्ट्रॉन थे और जो बेस के इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से सिग्मा स्टार जो मोलिकुलर ऑर्बिटल था आयोडीन मोलिक्यूल का उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इसकी वजह से ब्लू शिफ्ट आता है। इब जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी टू कंपोनेंट यानी कि एक तो आई टू मोलिक्यूल और एक बेस, इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी उतना ही ब्लू शिफ्ट आएगा, यानी कि जो वेव लेंथ है वो हमारी छोटी होती जाएगी। अब ये डायग्राम है, ये बहुत ज़रूरी है, जिसने ये समझ लिया यानी कि उसको ये सब कुछ आ गया इस वीडियो के बारे में, ये जो टॉपिक है अब ये अच्छे से समझा। अब जो ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस के अलाउं तो हम वेव लेंथ को दिखाते हैं, वाई एक्सिस के अलाउं एब्जॉर्बेंस होती है, और ये जो वायलेट कलर से दिखाया है ये वाली जो लाइन है ये पीक, ये है प्योर आई टू मोलिक्यूल की। आई टू मोलिक्यूल में क्या था, पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से 520 पर एक पीक आती थी, वो यही पीक है 520 नैनोमीटर पर। अब हम जैसे जैसे बेस डालते जाएंगे इस सॉल्यूशन में तो बेस क्या करेगा, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा और जो हमारी पीक है उसमें ब्लू शिफ्ट दिखेगा। ब्लू शिफ्ट का क्या मतलब है, 520 नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ की तरफ हम चलते जाएंगे। अब एक तो ये वाला स्पेक्ट्रा है वन, ये है प्योर आई टू का, और एक ये टू का स्पेक्ट्रा है जिसके सामने टू लिखा गया है, एक तीन का दिखाया गया है, एक चार का। अब ये दो तीन चार क्या है, ये बेस की कंसंट्रेशन को दर्शाती हैं। ये तो वन तो इंडिकेट करता है प्योर आई टू का, अगर उसमें थोड़ा सा बेस डाल दिया तो ये वाला स्पेक्ट्रा आएगा हमारे पास, और कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो तीन वाला दिखाते हैं हम, और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी बेस की तो हम चार वाला दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिख रखा नीचे, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन यानी कि फर्स्ट वाली प्योर आई टू की है, एंड बेस आयोडीन सॉल्यूशन इन CCl4 विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दो तीन चार यानी कि जैसे ही हम दो से चार की तरफ मूव करते हैं बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। अब जितनी ज़्यादा बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतना ही ब्लू शिफ्ट होगा यानी कि वेवलेंथ छोटी छोटी होती जाएगी। अब यहाँ पहले 520 पर थी, हमने थोड़ा सा बेस डाला यानी कि ये डाला, टू पर आ गए हम इस सिचुएशन पर आ गए। अब इस सिचुएशन में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यहाँ है, देखो पहले 520 पर था अब यहाँ आ गया। अब ये मान लो आप 450 500, ये आप 500 मान लो यार, ठीक है पहले 520 था, अब थोड़ी ही कंसंट्रेशन डाली है तो ये वाला स्पेक्ट्रा आता हमारा, ये टू वाला का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यहाँ है, यानी कि 520 से तो कम आप ये 500 मान लो। अब थोड़ा सा और बेस डाला तो ये थर्ड वाले पीक आएगी, थर्ड वाले पीक का ये जो मैक्सिमा ये कितने पर आया है, ये यहाँ आया है, इसको मान लो आप 460, ये 500 मान के चले थे हम, ये 460 मानो आप। अब बेस की कंसंट्रेशन और बढ़ा दी तो 4 के कोरस्पोंडिंग ये वाले पीक आती है, ये वाली जो पीक है। अब इसके कोरस्पोंडिंग जो मैक्सिमा था वो 450 से भी कम हो गया है, यानी कि हम इसको 400 मान लेते हैं। प्योर आई टू की जो पीक आई थी वो 520 पर आई, फिर थोड़ा सा बेस डाला वो पीक कितने पर चली गई, वो इतने पर चली गई 500 मान के चलो ये टू वाला, थोड़ा और बेस डाला तो ये थर्ड वाली पीक आएगी, और थर्ड वाली पीक का मैक्सिमा कितने पर है, 460 पर। अब ये थोड़ा और बेस डाला तो फोर्थ वाली पीक आएगी, फोर्थ वाली पीक का ये स्पेक्ट्रा है और इसका जो मैक्सिमा है वो 400 पर। इस तरह हम देखते हैं जैसे जैसे बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जो लैम्डा है वो डिक्रीज करेगा। जब जीरो कंसंट्रेशन थी 520 थी नैनोमीटर, अब थोड़ी कंसंट्रेशन बढ़ी 500 नैनोमीटर पर पीक आई, थोड़ी और बढ़ाई तो 460 पर आई, और ज़्यादा बढ़ा दी तो 400 पर। तो ये इफेक्ट होता बेस डालने का स्पेक्ट्रा पर, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, यानी कि वेवलेंथ है वो छोटी होती जा रही है। अब ये कहता है इस सोबेस्टिक पॉइंट,
ये 490 नैनोमीटर पर आता है। आइसोबेस्टिक पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट मतलब ऐसी वेवलेंथ है जिस पर जो एब्जॉर्बेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि आप देखो, अगर आपने 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ डाली है सैंपल पर, सैंपल में एक्चुअल क्या है, आयोडीन है, CCl4 है और उसमें बेस है। अगर आप 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ डालते हो, अगर आपके पास अकेला आयोडीन है और CCl4 है तो भी एब्जॉर्बेंस यही आएगी। ये मान लो इस पॉइंट के कोरस्पोंडेंस क्या एब्जॉर्बेंस होगी, हमने एक्स मान ली, ठीक है। अकेला I2 है तो एब्जॉर्बेंस इतनी आई है। अब आयोडीन है और उसमें कुछ बेस डाल दिया, थोड़ा हा बेस डाल दिया, तो भी अगर आप 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ डालोगे तो एब्जॉर्बेंस एक्स ही रहेगी। फिर बेस की थोड़ी ही और कंसंट्रेशन डाली लेकिन वेवलेंथ 490 नैनोमीटर ही रखी तो भी एब्जॉर्बेंस एक्स ही रहेगी। अब बेस की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दी और वेवलेंथ डाली आपने 490 नैनोमीटर की तो भी एब्जॉर्बेंस एक्स ही रहेगी। इसको बोलते हैं आइसोबेस्टिक पॉइंट। यानी कि एक ऐसी वेवलेंथ जिस पर एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट रहेगी, आप चाहे उसमें बेस डालो या ना डालो, तो ये होता है आइसोबेस्टिक पॉइंट। यही लिख रखा है, वेवलेंथ एट विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए मिक्स्ड सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट एज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन चेंज। किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन चेंज करो, अगर वेवलेंथ 490 नैनोमीटर रखी है तो एब्जॉर्बेंस आपकी एक्स ही आएगी, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये था मोटा मोटा आइडिया बेस डालने का, जो इफेक्ट है ये होता है ब्लू शिफ्ट। 520 से हम धीरे धीरे 400 पर आ गए, ये होता है ब्लू शिफ्ट। अब ये एक एग्जांपल है, मैंने क्या बोला कि आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें कोई बेस डालेंगे, वो बेस कौन सा डाल दिया हमने, 18 ग्राम 6। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ I2 इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ डाइसाइक्लोएक्साइल 18 ग्राम 6 इन क्लोरोफॉर्म। यानी कि अब वो बेस की फॉर्म में हमने क्या डाला, 18 ग्राम 6 है। 18 ग्राम 6 में बेसिकली क्या है, 6 ऑक्सीजन एटम है, उनके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर हम आयोडीन को दिलवा देंगे, आयोडीन के सिग्मा स्टार में दिलवा देंगे। इनिशियली नो पीक इन द रेंज ऑफ 250 to 450 नैनोमीटर। यानी कि जब प्योर I2 था तो सिर्फ एक पीक आती थी 520 नैनोमीटर पर। ये लिख रखा है, इनिशियली नो पीक इन द रेंज ऑफ 250 से 450। यानी कि पहले तो 520 पर पीक आ रही थी बेस डालने से पहले, और यही लिख रखा है इस रेंज में कोई पीक नहीं थी। ऑन एडिशन ऑफ 18 ग्राम 6 टू पीक्स बिलो 450 अपीयर। अब बेस डाला, एक तो मैंने बताया कि ब्लू शिफ्ट आएगी, ब्लू शिफ्ट से 520 से हम धीरे धीरे 400 पर पहुंच गए थे, और एक क्या बताया था कि एक नई पीक आएगी, वो नई पीक किसकी वजह से आएगी, चार्ज ट्रांजिशन की वजह से आएगी। तो अब दो पीक आ गई 250 से 450 नैनोमीटर की के बीच में, एक तो 292 नैनोमीटर पर आएगी, ये तो आएगी चार्ज ट्रांसफर की वजह से, और एक आएगी 360 नैनोमीटर पर। अगर हमने प्रॉपर 18 ग्राम 6 डाला है तो हम जो बेस डाल रहे थे ना, तो वो 520 से जो पीक है वो नीचे आ आकर 360 तक पहुँचेगी। ये पीक थी 5 स्टार से सिग्मा स्टार की। यही था हमारा ब्लू शिफ्ट, पहले कितना था, 520 नैनोमीटर था, ये जो 5 स्टार से सिग्मा स्टार पहले 520 पर था, अब 360 पर आ गया, इसी को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो यही मेन है 292 पर और एक 360 पर। अब चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये जो 18 ग्राम 6 है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन I2 मॉलिक्यूल को दे देगा, और I2 मॉलिक्यूल कहाँ एक्सेप्ट करता है, सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है। और हमने क्या सुना है, जब भी हम किसी के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वो मॉलिक्यूल टूट जाता है। अब ये है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन का कुछ ये था, ये हमने इसका सिग्मा स्टार दिखा दिया, अगर कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। तो वही काम 18 ग्राम 6 करता है,
18 क्रॉन 6 साई 2 मोलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन देता है और आई 2 मोलिक्यूल टूट जाता है और यहाँ से हमारे पास आई माइनस आता है। आई माइनस और आई 2 कंबाइन कर कर ट्राई आयोडाइड आयन बना लेते हैं, आई 3 माइनस ट्राई आयोडाइड। यानी कि कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होने के बाद ये जो 18 क्रॉन 6 है एक इलेक्ट्रॉन इस आई 2 मोलिक्यूल के सिग्मा स्टार में डालेगा जिससे यह मोलिक्यूल टूट जाएगा। यहाँ से जो आई माइनस बनाया है ये आई 2 मोलिक्यूल के साथ कंबाइन कर कर ट्राई आयोडाइड आयन बना लेगा और इस ट्राई आयोडाइड आयन की वजह से 292 नैनोमीटर पर पीक आती है। ये इसका ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो रेड वाली पीक है ये है अडक्ट की पीक। एक पीक तो क्या थी जो 360 पर थी, ये थी पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की वजह से, और ये जो 292 नैनोमीटर पर थी ये पीक थी चार्ज ट्रांसफर की वजह से। यानी कि चार्ज ट्रांसफर से हमारे पास ये ट्राई आयोडाइड आयन बनाया था, ये इसकी पीक है 292 नैनोमीटर पर। और ये इनिशियल पीक थी, ये जो टू वाला है ये तो प्योर आई टू का है, ये आई टू का है 520 पर, मैंने पहले वाले डायग्राम में भी बताया था। और ये अपना सी सी एल फोर का, इसका तो कुछ नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता। अब मेन तो ये है, ये पीक आई है अडक्ट, रेड वाली पीक है, ये अडक्ट की पीक है। दो पीक आई थी, पहले 520 पर थी आयोडीन की, अब 360 पर पहुंच गई ब्लू शिफ्ट, और जो नई पीक आई, नई पीक चार्ज ट्रांसफर की वजह से आई, ये 292 नैनोमीटर पर आई। अब दोनों पीक 450 से बिलो आई हैं, 250 से 450, यानी कि पहले कोई पीक नहीं थी 450 से कम पर, और बेस डालने के बाद यानी कि 18 क्राउन 6 डालने के बाद टू पीक आई, दोनों 450 से कम हैं। अब ये हम डायग्राम देख लेते हैं आयोडीन अडक्ट का। अब ये तो है इस साइड 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6 में बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वही दिखाया गया है। वो लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, नॉन बॉन्डिंग में, और एक होता है हाई टू मोलिक्यूल। अब जब हम एमओ डायग्राम बनाते हैं ना, एक साइड तो मतलब बेस का बनाएंगे और एक साइड अपने आई टू मोलिक्यूल के एमओ होंगे। अब ये आई टू मोलिक्यूल है तो इसके जो यहाँ दिखाए गए हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल है ना कि एटोमिक, आई टू के मोलिकुलर ऑर्बिटल और बेस का नॉन बॉन्डिंग लिगेंड, इंट्रैक्शन करेंगे तो अपने पास नए एमओ बनेंगे। नए एमओ क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स के एमओ, यानी कि अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। ये तो बेस का नॉन बॉन्डिंग था, ये आयोडीन के एमओ थे, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी और नए एमओ बनेंगे, ये देखना हमें सिर्फ ये एमओ। अब ये जो बेस था, इस बेस ने ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये सिग्मा स्टार में डालेगा, तो ये नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी तो हमारे पास एक नया सिग्मा बनेगा, इसको हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स है यानी कि एक सिग्मा बनता है तो एक सिग्मा स्टार भी बनता है, ये हो गया सिग्मा स्टार कॉम्प्लेक्स। और जो पाई स्टार था आयोडीन मोलिक्यूल का, ये फुली फिल्ड था, ये कोई इंट्रैक्शन शो नहीं करेगा, तो इसकी एनर्जी एज इट इज रहेगी, इसको हम नॉन बॉन्डिंग बोल देंगे। ये पाई स्टार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी एनर्जी एज इट इज दिखाई गई है, वैसे हम बोल देंगे इसको पाई स्टार कॉम्प्लेक्स। इस नॉन बॉन्डिंग और इस सिग्मा स्टार, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन से एक तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक सिग्मा स्टार कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से, और यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो हमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन ही फिलिंग करनी है, तो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा कॉम्प्लेक्स में आ गए। इन इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, ये एज इट इज दिखाई गई है। अब आप एक टाइम के लिए इसको छुपो दो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिगेंड से आए हैं सिर्फ, और यहाँ जो सिग्मा स्टार था इसके पास कुछ नहीं था, तो टोटल हमें दो ही दिखाने पड़ेंगे। इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, एक सिग्मा स्टार, दो इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, वो नीचे आ गया। अब ये जो बीच वाला है, ये सेंट्रल पोर्शन, ये है अडक्ट का एमओ डायग्राम। अब हमें इससे वास्ता है, अब ट्रांजिशन देखो कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये तो क्या होगा, अब ये यहाँ लूमो हो गया, अडक्ट का लूमो। एक तो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जा सकते हैं, और एक सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकते हैं।
तो इसीलिए दो पी कहेंगे। पाई स्टार से सिग्मा स्टार में जो ट्रांजिशन हुआ है उसकी पी कितने पर आएगी, उसकी आएगी 360 पर। और एक ये जो सिग्मा से सिग्मा स्टार कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन हुआ है इसकी पीक थी 292 पर। ठीक है, अब देखो ये आई टू मोलिक्यूल था, ये सिग्मा स्टार था। ठीक है, अब बेस डालने के बाद क्या हो गया, इस सिग्मा स्टार की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब हम इफेक्ट देख रहे हैं बेस का एमओ डायग्राम पर क्या होता है। स्पेक्ट्रा तो हमने स्टडी कर लिया, पर एक्चुअल में एमओ डायग्राम में होता क्या है। पहले जो सिग्मा स्टार था इसकी एनर्जी इतनी थी, इस लेवल पर थी। बेस डालने के बाद यही सिग्मा स्टार थोड़ा ऊपर वाली एनर्जी पर चला गया। देखो इतना इंक्रीज हुआ, पहले सिग्मा स्टार यहाँ था फिर इस लेवल पर आ गया। जो पहले पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता था उसके लिए सिर्फ इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और बेस डालने के बाद वही पाई स्टार से सिग्मा स्टार है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब अगर एनर्जी इंक्रीज हुई है तो यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखेंगे तो जो एनर्जी होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लैम्डा इन्वर्स होता है। पहले पाई स्टार से सिग्मा स्टार इतनी एनर्जी पर हो रहा था, बेस डालने के बाद ये जो गैप था इन दोनों के बीच में इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो यानी कि ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो यानी कि एनर्जी और लैम्डा इन्वर्स होती है, एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, तो वही तो दिखाया गया है। ये जो ट्रांजिशन था ये 520 पर होता था, गैप इंक्रीज होने से ज़्यादा एनर्जी छोटी वेवलेंथ, छोटी यानी कि 360, इसी को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और एक नई पीक आई थी, ये वाले जो पीक है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसी को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। अब ये चार्ज ट्रांसफर, अब ये नॉन बॉन्डिंग था और एक ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनया है। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनया है इसमें बेस का करेक्टर ज़्यादा होता है, और ये जो सिग्मा स्टार है इसमें कौन सा करेक्टर ज़्यादा है, इसमें आयोडीन मोलिक्यूल का करेक्टर है। तो इसीलिए बोलते हैं जो बेस से है, बेस से चार्ज ट्रांसफर हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया है। ये तो एमओ डायग्राम है, ये आपको अच्छे से समझना होगा डायग्राम भी। अब आ गई बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन आयोनिड अडक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। अब हम जो इक्वेशन बनाते हैं कोई भी आई टू मोलिक्यूल है या फिर कोई और मोलिक्यूल, उसके लिए हम लिखते हैं ना साई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो जो अडक्ट बनता है उसमें दोनों प्रकार का करेक्टर होता है। हमने सुना है कोई भी बॉन्ड है वो प्योर कोवलेंट नहीं होता, ना ही आयोनिक होता, उसमें दोनों करेक्टर होते हैं। इसी तरह जो अडक्ट बनता है उसमें भी दोनों करेक्टर हैं, कोवलेंट भी है इलेक्ट्रॉनिक भी है। ये तो इंडिकेट करता है कोवलेंट नेचर को, साई इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेट करता है आयोनिक इंट्रैक्शन को, ए बी कोफिशियंट है। बिफोर चार्ज ट्रांजिशन तो यानी कि बी बड़ा है, चार्ज ट्रांसफर से पहले बी बड़ा है और आफ्टर चार्ज ट्रांजिशन ए बड़ा हो जाएगा। तो अब यही है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।